Hello everyone, this is Rajiv here and welcome to the next video of Java series. So, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और इफ एल्स देखा था. इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम करने वाले हैं इफ एल्स पे, ठीक है. सो यहाँ पे हम दो प्रोग्राम करने वाले हैं. हमारा पहला प्रोग्राम होगा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड greatest number between two numbers, ठीक है. ये हमारा पहला प्रोग्राम होगा और दूसरा प्रोग्राम होगा हमारा राइट ए प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड. यानी एक यूजर नंबर एंटर करेगा, हम एज्यूम करेंगे कि यूजर जीरो नहीं एंटर करेगा, नॉन जीरो नंबर होगा. हमें बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है. सो ये दो प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट लेना होगा, ठीक है. सो इनपुट लेने के लिए तो सेम हमारा कोड यहाँ तक रहने वाला है, यहाँ तक प्रोग्राम हमारा सेम रहेगा, ठीक है. हमने इनपुट लेना है तो इम्पोर्ट, फिर स्कैनर और फिर नेक्स्ट INT का करके हमने एक वेरिएबल n में इनपुट ले लिया, ठीक है. अगर नहीं पता इनपुट कैसे लेना है तो इस सीरीज़ में मैंने यूज़र इनपुट पे वीडियो बनाया है, जाके उसको देख सकते हो. अब हम क्या करेंगे, पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स. सो यहाँ पे दो नंबर यूजर एंटर करेगा और दो में से हमें क्या करना है, बताना है कौन सा बड़ा है, ठीक. तो हम यहाँ दो वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल n1 और दूसरा वेरिएबल n2, जिसमें हम इनपुट लेंगे, ठीक है. अब यहाँ एक मैसेज दे देते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर एंड देन उसके बाद एक नंबर और इनपुट लेना है. ये हमारा n1 हो गया. अब एक नंबर और इनपुट लेना है हमें, तो हम मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहां मैसेज देते हैं हम एंटर द सेकंड नंबर, राइट. अब नंबर इनपुट लेना है तो n2 में लेंगे, असाइन विथ sc डॉट नेक्स्ट int. ये हमने दो नंबर इनपुट ले लिया. अब हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूजर सेम नंबर एंटर नहीं करेगा दोनों, ठीक है. सो अब हमें बताना है दोनों में से बड़ा कौन है, तो किसका यूज करेंगे, इफ एल्स का. सो हम लिखेंगे इफ, यानी अगर हमारा जो पहला नंबर है n1, अगर ये n1 बड़ा है किससे, n2 से, तो अगर ये ट्रू हो गया तो कंप्यूटर कहाँ पे जाएगा, इफ के अंदर. और अगर इफ ट्रू हो गया मतलब बड़ा कौन सा है, n1 है, तो इफ के अंदर हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और मैसेज दे देंगे ग्रेटेस्ट नंबर, डबल कोटेशन में हम मैसेज देंगे ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स और यहाँ पे प्लस n1, ठीक है. क्योंकि अगर इफ ट्रू हुआ मतलब बड़ा n1 है, और इफ ट्रू हुआ तो कंप्यूटर इफ के अंदर जाएगा, तो इफ के अंदर प्रिंट कर देंगे ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स n1. और अगर फॉल्स हुआ तो कंप्यूटर एल्स में जाएगा और एल्स में हम दे देंगे, अगर फॉल्स हुआ तो बड़ा कौन सा है, n2 ना, तो हम एल्स में दे देंगे ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स n2. सो ये हमारा पहला प्रोग्राम हो गया, राइट. सो देखो, अब मान लो, एज्यूम कर लो कि यूजर ने यहाँ पे एंटर कर दिया n1 में सपोज 55 और यूजर ने n2 में एंटर कर दिया 63. तो ये जो कंडीशन है, n1 में कितना है 55, n2 में कितना है 63, तो 55 ग्रेटर देन 63 फॉल्स हो गया, क्योंकि 55 बड़ा नहीं है 63 से. कंप्यूटर एल्स में आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल 63. अब मान लो यूजर ने यहाँ पे एंटर किया 95 n1 में और n2 में एंटर कर दिया 42. तो n1 में 95 है, n2 में 42 है, तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि हाँ 95 42 से बड़ा है. सो कंप्यूटर अब इफ के अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू n1, एल्स में नहीं जाएगा, राइट. अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि अगर चलो इस सिचुएशन को भी हम कंसीडर करते हैं कि यूजर ने अगर सपोज दोनों नंबर जीरो एंटर कर दिया, तो मतलब सॉरी जीरो मैं बोल रहा हूँ, मतलब सेम नंबर एंटर कर दिया, तो अगर यूजर ने मान लो n1 में 95 एंटर किया और n2 में भी यूजर ने 95 एंटर कर दिया, कोई भी और नंबर, जैसे मान लो यूजर ने n1 में एंटर किया 14 और यूजर ने n2 में भी एंटर कर दिया 14, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. मान लो यूजर ने दोनों वेरिएबल में 14 एंटर किया, तो 14 ग्रेटर देन 14 कंडीशन फॉल्स,
एल्स में आएगा प्रोग्राम, क्या प्रिंट कर देगा? ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू एन टू, यानी 14। ये तो गलत आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एल्स में हटा रहा हूँ। ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया दो नंबर में ग्रेटेस्ट फाइंड करने का, और हमने एज्यूम किया था कि यूजर सेम नंबर एंटर नहीं करेगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर यूजर ने सेम नंबर एंटर कर दिया सपोज, तो उस हमें वो सिचुएशन भी अब लेके चलना है कि दो नंबर में हमें बताना है कि दोनों बराबर है, ठीक है, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो फिर दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो ये कैसे होगा? सिंपल है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ यानी अगर एन वन इक्वल्स टू एन टू, दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम इफ के अंदर आएंगे और इफ के अंदर हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे बोथ नंबर्स आ इक्वल, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तो फिर कंप्यूटर एल्स में जाएगा, ठीक है। अब एल्स में हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स, यहां पे एल्स के अंदर हम दे देंगे इफ, एल्स के अंदर हम इफ एल्स दे रहे हैं, इफ एन वन जो पहला नंबर है अगर किससे बड़ा हुआ, एन टू से, अगर ये ट्रू हो गया तो हमारा सिस्टम कहां जाएगा, हमारा सिस्टम जाएगा इफ के अंदर, और इसके अंदर मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और ग्रेटेस्ट नंबर इज कौन सा है हमारा, एन वन। अगर ट्रू हो गया तो मतलब एन वन बड़ा है, राइट, और इसी इफ का एल्स, सो एल्स, सो इसमें दे देंगे, अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंप्यूटर कहां आएगा, एल्स में, और एल्स में हम दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू एन टू, हो गया प्रोग्राम। अब देखो यहां पे तुम्हारा नेस्टेड इफ एल्स भी कवर हो गया। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। तो अब यहां इस चीज को समझो कि मान लो यूजर ने एन वन और एन टू दोनों में सेम नंबर यानी 14 एंटर कर दिया, तो ये कंडीशन क्या हो गया, पहला वाला ट्रू, तो पहला वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो कंप्यूटर कहां पे आएगा, इफ के अंदर प्रिंट कर देगा बोथ नंबर्स आर इक्वल, राइट, और एल्स में नहीं जाएगा। एल्स में अगर नहीं जाएगा तो ये जो इफ एल्स है, ये वाला इफ एल्स तो इस बड़े वाले एल्स के अंदर लिखा है ना, तो इफ एल्स एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। बट मान लो यूजर ने डिफरेंट नंबर एंटर किया, जैसे यूजर ने सपोज एन वन में 7 एंटर कर दिया और यूजर ने एन टू में मान लो 1 एंटर कर दिया, राइट, तो एन वन इक्वल्स टू एन टू, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया इफ का, तो कंप्यूटर इफ का जो एल्स है उसमें जाएगा। अब एल्स के अंदर जाएगा तो इसके अंदर फिर से इफ एल्स आ गया, राइट, तो अब इस इफ एल्स को कंपेयर करेगा, तो चेक करेगा इफ एन वन ग्रेटर देन एन टू, तो एन वन में कितना है 7, एन टू में कितना है 1, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, तो कहां आएगा, इफ के अंदर आएगा, और क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेटेस्ट नंबर इज एन वन यानी 7। मान लो अगर फॉल्स हो जाता तो एल्स में जाता, क्या प्रिंट कर देता, ग्रेटेस्ट नंबर इज एन टू। सो आई होप ये प्रोग्राम क्लियर हो गया, कैसे हुआ रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। सो रन कैसे करेंगे, अगर नहीं पता कि मैं प्रोग्राम कहां लिख रहा हूं और विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, तो इस सीरीज में जाके स्टार्टिंग के वीडियोस देख सकते हो, लिंक सारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में है। सो जावा सी प्रोग्राम का नाम है एबीसी, सो एबीसी डॉट जावा एंटर करते हैं, एंड देन यहाँ पे हम जस्ट वेट फॉर 2 seconds, 1, 2 more seconds, नहीं हो गया। सो जावा एंड देन एबीसी एंटर, सो एंटर द फर्स्ट नंबर, लेट मी एंटर 5, एंटर सेकंड नंबर, फिर से 5 एंटर करता हूँ, सो ये देखो बोथ नंबर्स आर इक्वल। सो हमने एन वन में भी 5 एंटर किया, एन टू में भी 5 एंटर किया, तो इफ का कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, कंप्यूटर इफ के अंदर गया, प्रिंट कर दिया बोथ नंबर्स आर इक्वल, और फिर कंप्यूटर जो एल्स है, एल्स के ब्लॉक में गया ही नहीं। एल्स का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, लाइन नंबर 17 से लाइन नंबर 26 तक, राइट, और जब एल्स के अंदर गया ही नहीं तो एल्स के अंदर जो इफ एल्स है वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, राइट, तो यही है, ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कंडीशनल स्टेटमेंट में कि पहला सिंपल इफ एल्स, दूसरा नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब इफ एल्स के अंदर, इफ के अंदर भी इफ एल्स हो सकता है, एल्स के अंदर भी इफ एल्स हो सकता है। तो यहां देखो जो हमारा इफ है उसके नीचे उसका एल्स है, और इस एल्स के अंदर फिर से हमने इफ एल्स यूज किया है। हम चाहें तो ये जो इफ है इसके अंदर भी हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम चाहें तो जो एल्स के अंदर इफ है इसके अंदर फिर से इफ एल्स यूज कर सकते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, बस इसी को नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। ओके, सो आई होप ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। चलो सेकंड सिचुएशन भी देख लेते हैं, फिर से रन करते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 7, तो ये देखो ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 7। सो हुआ क्या,
एन वन में 4 आया, एन टू में 7 आया, ठीक है, और एन वन में कितना हमने एंटर किया, 4। तो हमारा इफ का कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि दोनों बराबर तो है नहीं। सिस्टम एल्स में आया, जब एल्स के अंदर गया तो फिर से इफ मिल गया, तो एन वन में कितना है 4, एन टू में कितना है 7, तो इफ का कंडीशन फॉल्स। अब इस वाले इफ का जो एल्स है उसके जस्ट नीचे, उसके अंदर आ गया और प्रिंट कर दिया ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू एन टू, एन टू में कितना है 7। सो आई होप क्लियर हो गया। अब हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड। मतलब यूजर एक नंबर एंटर करेगा, हमें चेक करके बताना है कि हमारा नंबर क्या है, इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे हमें कितना नंबर यूजर से इनपुट लेना है, सिर्फ एक नंबर, ठीक है। यूजर एक नंबर एंटर करेगा सिर्फ, और हमें बताना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो मैं यहाँ पे जो दो वेरिएबल था एन वन एन टू, मैं हटा देता हूँ, सिर्फ एक वेरिएबल लेता हूँ एन वन, एंटर द, यहाँ पे फर्स्ट नंबर नहीं, सिर्फ एंटर द नंबर, ठीक है। और फिर एन वन में हमने इनपुट ले लिया। अब सिंपल है, देखो कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर इवन है तो उसमें तुम टू से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं जिस ऑपरेटर का नाम है मॉड और रिमाइंडर ऑपरेटर। ये परसेंट साइन जानते हो ना, तो मैथ्स में इसको परसेंट बोलते थे, बट जावा में क्या है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, रिमाइंडर ऑपरेटर, यानी ये रिमाइंडर ऑपरेटर देता है। जैसे अगर सपोज तुमने लिखा 5 mod 2, तो 5 mod 2 कितना होगा, 5 mod 2 3 1 हो जाएगा। कैसे, 5 में 2 से डिवाइड होगा, सो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया ना, बस यही आंसर होगा। और यही मान लो 5 divided by 2 होता, ये फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, तो डिवीजन का साइन होता है ना, तो यहाँ पे आंसर कोसेंट हो जाता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। सो यहाँ पे दो चीज़ है, पहला है फॉरवर्ड स्लैश और दूसरा है रिमाइंडर ऑपरेटर, ये परसेंट साइन। अंतर क्या है कि अगर मान लो लिखा हुआ है 8 upon 3 और यहाँ पे लिखा है 8 mod 3, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वाले में दोनों में डिवीजन ही होगा, मतलब 8 में 3 से डिवीजन होगा, ठीक है। सो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो ये जो पहला वाला है जहां पे डिवीजन ऑपरेटर लगा हुआ है फॉरवर्ड स्लैश, यहां पे आंसर कोसेंट होगा, जो कोसेंट आया है, तो कोसेंट कितना है 2। और तुम जब भी हम कोसेंट लिखते हैं तो साथ में डिवाइजर अपॉन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर भी लिखते हैं, यानी 2 upon 3। इसको तुम चाहो तो फिर फर्दर पॉइंट में कर सकते हो, बट अगर मॉड लगा हुआ है रिमाइंडर ऑपरेटर तो आंसर क्या होगा, सिंपली रिमाइंडर। एक और एग्जांपल लेता हूं, सो जैसे मान लो कि मैंने लिखा 9 mod 4, तो 9 mod 4 कितना होगा, 9 में तुम 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 1 ना, तो यहाँ पे आंसर 1 होगा। बट वही अगर लिखा है 9 divided by 4, तो फिर क्या होगा, तो फिर 9 में फिर 4 से डिवीजन, वही सेम से डिवीजन ही होगा। सो 9 2 जा 8 1 आया। तो या तो अब तुम्हें यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर लगा है, तो या तो इसको पूरा पॉइंट में लेके जाओ, या फिर आंसर ऐसे लिख सकते हो, कोसेंट क्या है 2 है ना, तो 2, रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 upon 4, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, या चाहो तो पूरा फिर यहाँ पॉइंट लो, यहाँ 0 लगाओ, फिर 4 2 जा 8, देन यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 5 बार में 20 एक कट जाएगा, तो इसका आंसर तुम 2.25 लिख सकते हो। और यहाँ भी तुम 1 upon 4 को करोगे तो 0.25 ही आएगा, तो वैसे भी 2.25 आ जाएगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मॉड क्या करता है, हमको रिमाइंडर देता है। तो हमें चेक करना है कि N1 में यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो इवन है कि ऑड है। तो कोई भी नंबर, किसी भी नंबर में अगर हम 2 से मॉड लें और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब वो इवन नंबर है, तो हम सिंपली लिखेंगे इफ, अगर नंबर किस में, N1 में ना, N1 में हम मॉड लेते हैं किससे, 2 से, और वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, इक्वल्स टू 0। अब जावा में दो चीजों को इक्वल दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, डबल इक्वल साइन का। अब इसको बहुत सारे लोग इक्वल इक्वल टू बोलते हैं, बट नहीं, इसको सिंपल इक्वल टू बोलते हैं। वो जो सिंगल इक्वल साइन है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर जावा में, ये जो सिंगल इक्वल साइन है इसको जावा में असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यानी अगर लिखा हुआ है ऐसा कुछ, तो इसका मतलब हुआ कि 5x में असाइन हो रहा है, राइट। बट अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, डबल इक्वल का साइन है, तो इसको हम इक्वल टू बोलते हैं, इसका मतलब x और 5 आपस में बराबर है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या दिया कि इफ n1 mod 2, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई, तो मतलब n1 ने जो नंबर है इवन है, तो हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां मैसेज दे देंगे हम
दिस इज इवन नंबर, ठीक है। और अगर इफ का कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ तो हम एल्स में जाएंगे और एल्स में मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अगर फॉल्स हो गया तो नंबर दो ही तरीके को होते हैं, इवन है ऑड, तो फॉल्स हो गया तो ऑड होगा, तो दिस इज ऑड नंबर, हो गया प्रोग्राम, राइट। अब देखो सेव करके रन करते हैं। सो सपोज अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं जावा सी ए बी सी डॉट जावा एंड देन जावा ए बी सी, मैंने यहाँ पे एंटर किया 5, तो ऑड नंबर है ना, तो यानी एन वन में 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा एन वन मॉड 2, तो एन वन मॉड 2 कितना आएगा 1 आएगा, राइट, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स। कंप्यूटर एल्स में जाएगा, प्रिंट कर देगा दिस इज ऑड नंबर, देखो आ गया दिस इज ऑड नंबर, यहाँ पे एच अपर केस में हो गया है। सो फिर से रन करते हैं, अब कंपाइल करना होगा क्योंकि प्रोग्राम में मैंने थोड़ा चेंज किया। सो फिर जावा ए बी सी, अब मैं एंटर करता हूँ 12, तो अब देखो क्या होगा एन वन में 12 आ गया, तो 12 मॉड 2, तो 12 में तुम 2 से मॉड लो, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा ना, जो कि इस 0 के बराबर हो गया, तो कंडीशन ट्रू। कंप्यूटर इफ के अंदर जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा दिस इज इवन नंबर। सो मैं इसको टर्मिनेट करके फिर से रन कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भी हमारा एच अपर केस में हो गया था। सो जावा सी ए बी सी डॉट जावा देन जावा ए बी सी और फिर एंटर द नंबर, तो मैं एंटर करता हूँ 12, ये देखो दिस इज इवन नंबर। चलो अब एक केस और कंसीडर कर लेते हैं कि यूजर ने 0 एंटर कर दिया, तो 0 तो ना इवन है ना ऑड है, तो फिर क्या करेंगे, तो वैसा ही जैसा लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था, हालांकि एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, तो इस इफ एल्स के ऊपर एक और इफ हम लगा सकते हैं इफ, और चेक कर लेंगे कि एन वन में जो नंबर है इक्वल्स, अगर वो 0 के बराबर है तो फिर हम इसमें प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन दिस इज जीरो, राइट। अब यहां पे इस इफ के अंदर प्रोग्राम को टर्मिनेट करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके बाद कंप्यूटर इफ पे आएगा और एन वन में कितना है 0 है ना, तो 0 मॉड 2 कितना हो जाएगा, तो 0 मॉड 2, अब देखो जिसमें हम मॉड लेते हैं और जिससे मॉड ले रहे हैं उससे छोटा है तो खुद ही रिमाइंडर हो जाता है, यानी 0 मॉड 2 में 0 में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 2 से, तो 0 2 से छोटा है, तो यहां पे आंसर 0 ही हो जाएगा जो कि 0 के बराबर है, तो क्या प्रिंट कर देगा दिस इज इवन नंबर, तो ये तो गलत आउटपुट हो गया ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसी इफ के अंदर हम प्रोग्राम को, जो ऊपर वाला इफ है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया मतलब एन वन में नंबर 0 है तो प्रिंट कर देगा दिस इज 0, और उसके बाद हमें कैसे भी प्रोग्राम को इसी इफ के अंदर टर्मिनेट कर देना है कि इसके आगे इसके नीचे का एग्जीक्यूट कुछ हो ही ना, तो उसके लिए हम यहां पे लिख देंगे सिस्टम डॉट एग्जिट और यहां पे 0 पास कर देंगे। सिस्टम डॉट एग्जिट क्या करता है, हमारे पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, जैसे ही कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा सिस्टम डॉट एग्जिट को, प्रोग्राम को यहीं पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोक देगा, नीचे का अब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो देखो अब मान लो हम प्रोग्राम को रन करते हैं, सो जावा सी ए बी सी डॉट जावा देन जावा ए बी सी, मैंने एंटर किया 4, तो देखो दिस इज इवन नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर इफ के अंदर गया ही नहीं, तो दिस इज 0 नहीं एग्जीक्यूट हुआ, सिस्टम डॉट एग्जिट भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ, फिर कंप्यूटर इफ पे गया तो एन वन में 4 है, 4 मॉड 2 0 जो कि 0 के बराबर है, तो इस वाले इफ के अंदर आया और क्या प्रिंट कर दिया दिस इज इवन नंबर। और यहां देखो इस ऊपर वाले इफ में हम एल्स नहीं लगाए हैं क्योंकि यहां पे जरूरत नहीं है एल्स का, मैंने बताया था ना एल्स ऑप्शनल होता है। अब चलो मैं 0 एंटर करता हूं, तो जावा ए बी सी मैं एंटर करता हूं 0, फिर देखो दिस इज 0, फिर प्रोग्राम टर्मिनेट। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं, और यहां पे हम लोगों ने इफ एल्स पे 2 प्रोग्राम भी किया। अगले वीडियो में हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, बट इस बार हम लोग लूप यानी फॉर लूप और इफ को कंबाइन करके कुछ अच्छे प्रोग्राम करने वाले हैं, 1 या 2 प्रोग्राम हम लोग अगले वीडियो में करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।